नमस्ते। लास्ट वीडियो में हमने समझे थे ग्रामरलॉग्स ऑफ चैप्टर 11 एंड 12। आज हम समझेंगे ग्रामरलॉग्स इजी तरीके से चैप्टर नंबर 13, 14 और 15, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स ने डिमांड करी है, उन्हें ग्रामरलॉग्स में प्रॉब्लम हो रही है, तो हम समझेंगे इजी तरीके से। डाउट्स हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और वीडियो पसंद आने पर चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। स्टार्ट करते हैं हम ग्रामरलॉग्स की प्रैक्टिस। लेट्स अंडरस्टैंड द ग्रामरलॉग्स ऑफ चैप्टर 13, सर्कल और लूप प्रीसीडिंग इनिशियल हुक, चैप्टर 14, एन एंड एफ हुक्स, एंड चैप्टर 15, सर्कल्स एंड लूप्स टू फाइनल हुक्स। बुक में जो ग्रामरलॉग्स हैं इन चैप्टर के, मैंने एज इट इज यहां मेंशन किए हैं, वो पोर्शन मैंने रफ वर्क के लिए लीव किया है। फर्स्ट वर्ड फ्रॉम, हम ग्रामरलॉग्स में जो वर्ड में सभी कॉन्सोनेंट्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट नहीं करते। फर्स्ट वर्ड है हमारा फ्रॉम। हमने लास्ट चैप्टर जो ऑल्टरनेटिव था उसमें क्या सीखा था, फर, वर, इथ, आर या दर, इनकी ये लेफ्ट कर्व होता है, राइट कर्व होता है। एक बार मैं क्विकली आपको एक्सप्लेन कर देती हूं। वर, इथ, आर और इथ, आर, दी आर और दी आर, ये लेफ्ट की तरफ है, ये हमारा राइट की तरफ है। अगर वर्ड में फर इस इनके इनकी साउंड्स के बाद अगर वो वाला स्ट्रोक होगा जो लेफ्ट से राइट की तरफ बन रहा होगा, तो हम ये राइट वाली बनाएंगे क्योंकि हमें वो इजी रहता है। अब ये वर्ड है फ्रॉम, फर है और उसके बाद एम की साउंड है, एम हमें इसमें रिप्रेजेंट नहीं करना, लेकिन ये एम जो हम बनाते हैं इस तरीके से बनाते हैं जो लेफ्ट से राइट की तरफ जाता है, तो हम ये राइट वाली फॉर्म यूज करेंगे। ये हमने सीखा था ऑल्टरनेटिव फॉर्म वाले चैप्टर में, तो फ्रॉम के लिए हम बनाएंगे राइट कर्व वाला इस तरीके से। एम नहीं करना हमें रिप्रेजेंट, हमें क्लियर हो जाएगा पैराग्राफ में ये आउटलाइन फर, फ्रॉम, फ्रॉम है ये आउटलाइन। एफ ए इनिशियल में आर हुक बनाया राइट कर्व से। इसी तरह वर्ड वेरी है, अब ये भी सीखा था फर, वर, इथ, आर, दी आर, वो वर्ड में खाली यही साउंड्स हो और इनसे पहले कोई वोवल साउंड ना हो तो वो राइट कर्व हम स्पेसिफाई करेंगे, मेंशन करेंगे, राइट कर्व बनाएंगे। इसमें सिर्फ यही साउंड है वो तो वोवल साउंड है हमारी इस वाला वर, तो हमने ये इस तरीके से बनाया। फ्रॉम हमारा ऑन दी लाइन है, ये भी हमारा ऑन दी लाइन, वी के इनिशियल में आर हुक राइट कर्व से। दर, दर हो, देयर हो, और कोई वोवल साउंड नहीं है, कॉन्सोनेंट की साउंड नहीं है, सॉरी कॉन्सोनेंट की साउंड नहीं है, दर है, तो इसको भी हम राइट कर्व की तरफ से बनाएंगे। दर, दर थिक होता है हमारा दर, हमने इस तरीके से बनाया ऑन दी लाइन, तो ये हो गया हमारा वर्ड देयर या देयर, वो पैराग्राफ से पता चल जाएगा ई आई आर है या ई आर ई है। नेक्स्ट मोर, रिमार्क या रिमार्क, इससे पहले मैं ये वाला वर्ड करेंगे मियर या मिस्टर। हम प्रोफेशनल लाइन में हैं, हम लिखते हैं जैसे डियर मिस्टर सो एंड सो, मिस्टर हमें काफी जगह रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, तो एम के इनिशियल में आर हुक और ऑन दी लाइन, ऑन दी लाइन बनाना हमें आउटलाइंस इजी होता है। ये तो हमने बना दिया मियर हो या मिस्टर ऑन दी लाइन। अब वर्ड है जैसे मोर, रिमार्क या रिमार्क, तो इसे हम बनाएंगे अब ऑफ दी लाइन, क्योंकि ऑन दी लाइन वाले हमारे आउटलाइन है मियर या मिस्टर। नेक्स्ट नॉर, एन के इनिशियल में आर हुक बनेगा हमारा अबव दी लाइन, अब ये नॉट वाली साउंड आ रही है, अबव दी लाइन होता है हमारा। नियर, वी वाला वोवल है, थ्रू दी लाइन होना चाहिए, लेकिन ये हमारा हॉरिजॉन्टल है तो ये हम ऑन दी लाइन बनाएंगे, ये है हमारा नियर। वर्ड है अब सरप्राइज, सरप्राइज देखिए, सरप्राइज, इन्होंने ये वाली आर की साउंड को ओमिट किया है, पी के बाद आर की साउंड है और उससे पहले सर्कल एस की, तो ये पी सर्कल एस हमने इस तरीके से बनाया, क्लियर है कि ये आर की साउंड दे रहा है, फिर पी का स्ट्रोक और फाइनल में सर्कल एस, सरप्राइज, इसे बनाना है हमें अबव दी लाइन, ये ध्यान रखना पड़ेगा ये बनेगी हमारी अबव दी लाइन। अब वर्ड है सरप्राइज, कुछ नहीं करना, सरप्राइज इस तरीके से है, एंड में डी एस डी की साउंड है तो लूप होता है, तो लूप बनाएंगे हम सरप्राइज्ड, एस डी के लिए हमने लूप बनाया और आउटलाइन अबव दी लाइन क्योंकि वो हमारा अबव दी लाइन है। श्योर, श्योर, इश के इनिशियल में आर हुक बनाएंगे, अब ये देखो श्योर, यू, यू वाली साउंड आ रही है तो थ्रू दी लाइन, जो हमारा थ्रू दी लाइन होता है यू डिप्थोंग, श्योर। अब वर्ड है प्लेजर, जी, जी की साउंड है, जी और फिर आर, जी के इनिशियल में आर हुक बनेगा, अब देखिए यहां पे ये पेन वाली साउंड आ रही है ऑन दी लाइन, ये है हमारा प्लेजर, जी हमारा जो थिक होता है और ये उसके इनिशियल में आर हुक,
ये श्योर है हमारा, वो है हमारा प्लेजर। इस स्ट्रोक के इनिशियल में आर हुक बनाया थ्रू द लाइन श्योर, और ये ऑन द लाइन जी के इनिशियल में आर हुक। वर्ड है दे आर, दे आर तो हमने इस तरीके से बनाया ऑन द लाइन राइट कर्व के साथ। अब दे आर एक साथ कर रहे हैं तो इसे हम रखेंगे अबव द लाइन, अबव द लाइन, ताकि इससे हमारा कंफ्यूजन ना हो। अबव द लाइन ये एक फ्रेज है, दे आर या तो सेपरेट बनाओ, लेकिन अगर एक साथ बना रहे हो तो इस तरीके से दे आर। नेक्स्ट है हमारा वर्ड बीम, बी के फाइनल में एन के लिए हुक फॉर्म, अगर उस तरीके इस तरीके से घुमाते हैं तो बी एफ के लिए या बी बी के लिए होती है, इस तरीके से ये बनेगा हमारी ऑन दी लाइन बीम। है तो यहां पे वी वाली साउंड थ्रू दी लाइन, लेकिन थ्रू दी लाइन वाली कोई आउटलाइन नहीं है बुक में, तो बी के फाइनल में एन के लिए ऑन दी लाइन, इजी रहता है हमें ऑन दी लाइन आउटलाइंस बनाना। वर्ड है जनरल या जनरली, क्या करना है सिर्फ ये स्टार्टिंग में जे के इनिशियल में जो जे के फाइनल में जो एन हुक है ऑन दी लाइन जनरल, इस तरीके से लोग पेन वाली साउंड है तो ये ऑन दी लाइन रखा है, जे के फाइनल में एन हुक जनरल। नेक्स्ट विद इन, विद इन डी की साउंड है उसके फाइनल में एन हुक, और थ्रू दी लाइन के लिए जैसे ये इस वाली साउंड है तो ये थ्रू दी लाइन, इस तरीके से आप याद कर सकते हो थ्रू दी लाइन बनेगा। नेक्स्ट सदन, सर्कल एस बनाया दी थिक बनेगा दी और उसके फाइनल में एन हुक, इसको ओमिट किया है इन्होंने, सदन इजी है याद नहीं करना, सर्कल एस डी का स्ट्रोक और फाइनल में एन हुक सदन। नॉर्दर्न इस तरीके से एन को लिया है, एन के इनिशियल में आर हुक और फाइनल का ये एन हुक नॉर्दर्न। अबव दी लाइन, अबव दी लाइन के लिए याद करना है तो ये नॉट वाली साउंड है, पहले नॉट वाली आ रही है जो अबव दी लाइन होता है। नेक्स्ट बिहाफ, बिहाफ इसको बनाएंगे हम अबव दी लाइन बी के फाइनल में एफ हुक, बी के फाइनल में यहां ये एफ हुक लिया है बिहाफ अबव दी लाइन। नेक्स्ट एडवांटेज, एडवांटेज डी के फाइनल में बी के लिए हुक फॉर्म एडवांटेज, अब ये एट वाली साउंड है अबव दी लाइन होती है एडवांटेज। डिफिकल्ट डी के फाइनल में एफ हुक और ये इज वाली साउंड है तो थ्रू दी लाइन डिफिकल्ट, पर इजी है आउटलाइन इजी है, वर्ड डिफिकल्ट है आउटलाइन इजी है। नेक्स्ट बैलेंस, देखिए ध्यान से एट वाली है अबव दी लाइन बनाई है बी के इनिशियल में एल के लिए और फाइनल में ये एनएस आउटलाइन पूरी है बी बैलेंस एनएस सर्कल एस को इस तरीके से बनाया है क्लियर हो जाएगा, इसमें एन की साउंड है बैलेंस। सर्कमस्टांस देखिए इन्होंने खाली सिर्फ स्टांस का बनाया है और ऑन दी लाइन सर्कल एस टी का स्ट्रोक और एनएस के लिए सर्कल इस तरीके से घुमाया सर्कमस्टांस। डिलीवरेंस, डिलीवरेंस पहले वाले चैप्टर में हमने जैसे इस तरीके से समझा था डिलीवर हो डिलीवरी, उसके लिए हम आउटलाइन इस तरीके से बनाते हैं डी के इनिशियल में एल हुक और ऑन दी लाइन। अब डिलीवरेंस है तो एनएस है तो सिंपल एनएस के लिए सर्कल इस तरीके से हमने बना दिया क्लियर। सिग्निफाई, सिग्निफाइड या सिग्निफिकेंट पैराग्राफ से क्लियर होगा कि ये कौन सा वर्ड है, हमें सिर्फ सिग बनाना है अबव दी लाइन, अबव दी लाइन बनाना है क्लियर। सिग्निफिकेंस, सिग्निफाई ऐसे बनाया था सिग्निफिकेंस के लिए एनएस के लिए हमने फाइनल में इस तरीके से बनाया सिग बिगनिंग में करके। नेक्स्ट ओपिनियन, नियन बना दिया ये हो गया हमारा ओपिनियन, एन का स्ट्रोक बना के एन हुक दे दिया ओपिनियन, क्लियर है आप सभी को। आगे वीडियोस में हम और ग्रामर लॉक्स की प्रैक्टिस करेंगे इजी तरीके से। धन्यवाद।